हाय गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सऊदी अरेबिया से ऊद की शॉपिंग। नाउ ऊद इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू मिस बाइंग व्हेनेवर यू विजिट द मिडल ईस्ट। इंग्लिश की इतनी दिक्कत है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग टेस्ट करने वाले हैं यहाँ का खाना, जो काफी अलग और माउथ वाटरिंग होता है, एंड सम वेरी यूनिक डेजर्ट्स आल्सो। मुझे सऊदी से एक शिकायत हो गई है अभी। कभी भी सऊदी अरेबिया आए तो ऊद शॉपिंग हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट। ऊद इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ल्ड। इट इज आल्सो नोन एज आगरवुड एंड इट इज एन एसेंशियल ऑयल एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस इन्फेक्टेड रेजिनस हार्टवुड ऑफ द आगर ट्री। नो ऑयल। ऑयल ऊद दहन ऊद। ऊद ऑयल या परफ्यूम की खास बात ये होती है दैट दे स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रेग्रेंस। इंग्लिश की इतनी दिक्कत है यहाँ पे। ओके, ट्राई करते हैं, आ गया कुछ पसंद तो। द स्मेल विल चेंज आफ्टर सम टाइम। इसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। बेसिकली जो ऊद होता है, once you apply it on your skin, उसके एक या दो घंटे बाद the fragrance changes and that is the real fragrance of that particular ऊद। ऊद के साथ साथ there is something called बखौर जो आप खरीद सकते हो। इसको आप कोल के साथ जला के रखोगे रूम में तो अगेन द रूम विल बी फिल्ड विद फ्रेग्रेंस दैट यू विल लव एंड इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, ये सबसे एक्सपेंसिव होता है अगर आप ऊद का परफ्यूम या ऑयल खरीदते हो। फाइनली मैंने एक ऊद तो पसंद कर लिया है एंड प्राइस भी ठीक लग रहा है एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी रिनाउंड शॉप। अगर आप लोग कभी ऊद खरीदना चाहो तो आप इसी शॉप में आना, तो यहाँ से लेना, तो ये ऑथेंटिक होता है और ये प्योर है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सो लेट मी सी, लेट मी ट्राई, बाद में आप तो आपको बताएगा। सो अब्दुल समादल कुरेशी, यहाँ से ये कितना, 6 ml है ये? 12 ml है। ओके नाइस, अब ये मैंने ले ली है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गॉट दिस होल सेट ऑफ द ऊद एसेंशियल ऑयल, जहाँ पे यू गेट अ परफ्यूम एंड अ स्मॉल कंटेनर ऑल्सो, जो आप कैरी ऑन कर सकते हो पूरा बॉटल अगर आपको नहीं लेके जाना है ट्रैवल के टाइम पे। सो आई गॉट दिस सेट ऑल्सो। नाउ ये सब इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप रोज रोज तो नहीं लोगे, बट वंस यू आर इन द मिडल ईस्ट आपको ये चीज़ खरीद के ज़रूर लेके जानी चाहिए, बिकॉज आई लव फ्रेग्रेंसेज। तो मैंने तो ये ले लिया एंड आफ्टर यूजिंग इट for some time I can tell you that it is amazing. Now let's do some Pet Puja. Hummus and pita bread and fattoush salad are a speciality of the Middle East. Mujhe Saudi se ek shikayat ho gayi hai abhi that I'm not getting internet anywhere. Sala ye dukh kya khatam nahi hota. Main to faltu mein Bahrain mein complain kar rahi thi. Di Bahrain to bada acha hai ab to after coming here. I think to promote tourism, to promote more and more people to visit Saudi and see how beautiful and how nice things are here. थोड़ा सा I think लोगों के convenience पे इनको ध्यान देना पड़ेगा. I mean Wi-Fi, internet, these are really important things right now in people's life. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. You have to have a Saudi number or else you have to get your international roaming activated to access the internet. पता है पहले के टाइम में when there was no option of sharing your pictures or your stories instantly. पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब Orkut का जमाना था, if you guys remember, Facebook Orkut नया नया आया था एंड हम कहीं घूमने गए हैं, कुछ हमें शेयर करना है तो हम लोग अपने पिक्चर्स भी यूज टू लिव आर मोमेंट्स, क्लिक पिक्चर्स एंड देन गो बैक। पहले हम लैपटॉप में ट्रांसफर करते थे, देन वी यूज टू चूज एंड अपलोड पिक्चर्स यू नो लेटर। जैसे मैं आज घूमने गई हूँ तो एटलीस्ट मतलब आफ्टर अ वीक मे बी आई विल हैव आई विल फाइंड टाइम
टू अपलोड दीज पिक्चर्स ऑन फेसबुक और गुड या जो भी था वो. बट नाउ इट्स लाइक नाउ जिसे मैं अभी देख रही हूँ लाइक तो मुझे अब ऐसा हो गया है कि यू नो आई वॉन्ट टू शेयर इट राइट नाउ. तो ये जो अर्ज है आई डोंट नो इज आई मीन इट्स अ गुड थिंग और बैड बिकॉज या पीपल माइट आर्ग्यू कि आप लोग मोमेंट हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, हमको सिर्फ शेयर करना होता है ऑन सोशल मीडिया एंड वी आर नॉट लिविंग आवर मोमेंट्स. दैट्स वन आर्ग्यूमेंट श्योर. बट देन आई कांट डिनाई द फैक्ट कि येस दिस इज एन अर्ज कि ये कितना सुंदर है यार स्टोरी पोस्ट करते हैं एंड यू डोंट हैव इंटरनेट. तो थोड़ा सा अजीब हो गया है सिनेरियो स्पेशली बिकॉज वी आर व्लॉगर्स एंड यू नो हमें स्टोरीज एंड ऑल वो एक इंटरनल वो हो गया है. तो आई थिंक इन सब पे ध्यान देना चाहिए सऊदी को स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म. दे हैव डन सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स हियर. मॉल्स एंड ऑल तो बहुत सुंदर हैं. तो प्लीज यार इंटरनेट दे दो. Now here I came across a really different kind of a dessert brand called Derma, जहाँ पे ये लोग मटके में इस तरीके से आइसक्रीम kind of serve करते हैं and they have flavors like kunafa and the जो famous मिठाइयाँ यहाँ पे होती है in the Middle East उन flavors के. So this is the ice cream. अब इसको खा के देखते हैं कि ये दिखने में जितना सुंदर है उतना tasty है कि नहीं. I must say, looks did not disappoint at all. बहुत ही ज़्यादा tasty था ये ice cream. Next, we went on to have dinner at this amazing Biryani King restaurant, which serves absolutely mouth-watering food. ये वो क्या नाम था इसका? क्या? Taftan. Okay, कुछ try करेंगे नया. This is malai boti kebab. Chicken malai. Chicken. Boti. ओके और इसमें क्या है? कैसे खुलेगा? वाओ तो बड़ा अच्छा लग रहा है. लेट्स हैव फूड. तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट एंड वेरी नाइस. मैंने पहले भी खाया है बोटी मलाई कबाब बट दिस इज डिफरेंट. बहुत ही मजा आ गया मेरे को तो ये खाना खा के. इट्स लाइक इट वाज लाइक रियली यम. कभी आप रियाद आओ तो इस रेस्टोरेंट में जरूर आना. बिरयानी किंग नाम है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव कुल्फी. तो ये है हमारी आफ्टर डिनर कुल्फी एक्स्ट्रा लार्ज साइज. काफी अच्छी दिख तो रही है. है एक्चुअली वो ओरिजिनल वाला टेस्ट, नो मिलावट. थैंक यू दीशान जो अभी कैमरा के पीछे हैं. इट्स गुड टू बी बिहाइंड ऑन कैमरा. अगर आपको मेरे साथ आज ऊद खरीदने में फाइनली बहुत मजा आया हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए. Don't forget to press the bell icon so that you will receive all the notifications when we post a new video. And now I'll see you in my next vlog.